हेलो एस्पिरेंट्स कैसे हैं आप सब कैसी तैयारी चल रही है आप सब की आई होप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी एस्पिरेंट्स वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज हब नॉलेज हब में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आज हम सभी एस्पिरेंट्स के लिए एक मज़ेदार कंटेंट ले आए हैं जिसको पढ़ के आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है ठीक है तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं उस कंटेंट की तरफ़ बढ़ते हैं और वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए वीडियो को लाइक करते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं अपना कंटेंट शुरू करते हैं स्टूडेंट्स इस वीडियो में आज हम देखेंगे अठारह सौ सत्तावन की जो क्रांति हुई थी उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर ठीक है अठारह सत्तावन की जो क्रांति हुई थी उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनते हैं जितने भी क्वेश्चन हैं वो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनमें से जो मल्टीपल एग्जाम्स में पूछे गए हैं तो वो सारे क्वेश्चन एक बार हम फटाफट से देख लेते हैं ठीक है तो चलिए चलिएगा स्टार्ट करते हैं फटाफट से ये वीडियो देख लेते हैं और इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि अठारह ईस्वी का जो विद्रोह है वो कहाँ से हुआ था तो अठारह की जो क्रांति हुई थी शुरू हुई थी बैरकपुर छावनी से हुई थी मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने की थी अठारह ईस्वी का विद्रोह कहाँ से हुआ था बैरकपुर छावनी से उसके बाद है कि अठारह का जो विद्रोह हुआ था उसके समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था अठारह के विद्रोह के समय जो भारत का जनरल था वो कैनिन था कौन था कैनिन ठीक है अठारह के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कैनिन था उसके बाद कि किस सैनिक ने अठारह के विद्रोह का आरंभ किया था और यह क्या था मंगल पांडे ने कहाँ से बैरकपुर छावनी में अठारह के विद्रोह कहाँ गवर्नर जनरल कैनिन के काल में मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी मंगल पांडे को फांसी दी गई थी 8 अप्रैल अठारह को मंगल पांडे ने अठारह का विद्रोह किया था बैरकपुर छावनी में इसके बदले में उनको फांसी दी थी आठ अप्रैल अठारह को इनको फांसी दे दी गई थी मंगल पांडे को अठारह के विद्रोह में कानपुर से नेतृत्व तो किसने किया था यानी कि अठारह के नेतृत्व तो में अलग अलग जगह से अलग अलग लोग नेतृत्व तो कर रहे थे तो कानपुर से नेतृत्व तो किसने किया था तात्या टोपे ने और नाना साहब ने तात्या टोपे और नाना साहिब ने कानपुर से अठारह ईस्वी में विद्रोह नेतृत्व किया था इसके बाद अगला है कि तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया तात्या टोपे इसका वास्तविक नाम क्या है रामचंद्र पांडूरम तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या है रामचंद्र पांडुरंग तात्या टोपे का वास्तविक नाम है उसके बाद अगला क्वेश्चन है अठारह के विद्रोह में बिहार से नेतृत्व तो किसने जैसे कानपुर से किया था तात्या टोपे और नाना साहिब ने और बिहार से किसने नेतृत्व तो किया था यह था कुंवर सिंह बिहार से नेतृत्व तो किसने किया था कुंवर सिंह ने अठारह सत्तावन ने बिहार से नेतृत्व तो किया था नेता कुंवर सिंह ने और कानपुर से किया था तात्या टोपे तो और नाना साहब ने उसके बाद है कि अठारह के विद्रोह में दिल्ली से नेतृत्व तो किसने किया था दिल्ली से किया था बहादुर शाह जफ़र ने दिल्ली से नेतृत्व तो किसने किया था बहादुर शाह जफर ने उसके बाद है कि अठारह के विद्रोह में लखनऊ से किसने नेतृत्व तो किया था लखनऊ से और लेकिन लखनऊ से किया था बेगम हजरत महल ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता लखनऊ से जो अठारह का जो विद्रोह था उसमें लखनऊ से नेतृत्व किसने किया था बेगम हजरत महल ने ठीक है ये अलग अलग जगह से दे रखे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट बनते हैं याद करके चलना है इनको जरूर ठीक है हर जगह से अलग अलग से, से किस जगह से किसने नेतृत्व किया था बात करते हैं हम झांसी से झांसी से नेतृत्व किया था झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने रानी लक्ष्मीबाई ने अठारह में झांसी से नेतृत्व किया था उसके बाद है कि अठारह के विद्रोह में इलाहाबाद और बनारस से नेतृत्व किसने किया था इलाहाबाद और बनारस और यहाँ से जो नेतृत्व किया था वो था लियाकत अली ने लियाकत अली ने इलाहाबाद और बनारस दोनों जगह से नेतृत्व तो किया था लियाकत अली ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम अठारह सौ ये पुस्तक किसने लिखी थी एक पुस्तक है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम अठारह सौ इसके जो राइटर हैं ये है वी डी सावरकर वी डी सावरकर उसके बाद अगला है एटीन फिफ्टी सेवन पुस्तक किसने लिखी थी पुस्तक का नाम है एटीन फिफ्टी सेवन अठारह सौ सिंपल पुस्तक का नाम है इस पुस्तक के राइटर कौन है मौलाना अबुल कलाम आजाद मौलाना अब्दुल कलाम आजाद भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर हैं मौलाना अब्दुल कलाम आजाद बहादुर साद्द्वित्य को कहा पकड़ा गया था बहादुर साद्वित्य ये अठारह सत्तावन के भाग गए थे छुप गए थे इनको कहाँ से पकड़ा गया था हुमायूं के मकबरे से बहादुर साद्वित्य को कहाँ पकड़ा गया था हुमायूं के मकबरे से इनको अरेस्ट किया गया था अठारह सौ सत्तावन का विद्रोह ब्रिटिश को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति है ये किसने कहा था अट्ठारह सौ का जो विद्रोह है वो ब्रिटिश शासक को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति है ये किसने कहा था ये कहा था कार्ल मार्क्स ने ठीक है कार्ल मार्क्स ने कहा था ये उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय क्रांतिकारियों में लक्ष्मीबाई अकेली मर्द है ये किसने कहा था ये था ब्रिटिश अधिकारी ह्यूरोज ने कहा था कि जो भी भारतीय क्रांतिकारी है उसमें लक्ष्मीबाई एक अकेली मर्द है ये कहा था ब्रिटिश अधिकारी ह्यूरोज ने ठीक है ह्यूरोज ने कहा था कि रानी लक्ष्मीबाई एकलौती मर्द हैं रानी लक्ष्मीबाई का वास्तविक नाम क्या था ये काफी इंपॉर्टेंट है रानी लक्ष्मीबाई का वास्तविक नाम था मणिकर्णिका का रानी लक्ष्मीबाई का वास्तविक नाम था मणिकर्णिका अठारह सौ सत्तावन ईस्वी के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को किस स्थान पर भेज दिया गया था इनको रंगून भेज दिया गया था बहादुर शाह द्वितीय को जब अठारह सत्तावन की क्रांति पूर्ण रूप से असफल हो चुकी थी तो बहादुर शाह द्वितीय को अरेस्ट किया और उनको रंगून भेज दिया गया था ठीक है रंगून इसके बाद है कि इलाहाबाद को किसने आपातकालीन मुख्यालय बनाया था अठारह सतावन क्रांति में इमरजेंसी में जो इलाहाबाद को किसने अपना हेड ऑफिस बनाया था कैनिन ने बनाया था कैनिन उस टाइम गवर्नर जनरल था ठीक है कौन कैनिन ने इलाहाबाद को अपना आपातकालीन मुख्यालय बनाया था एमरजेंसी के, के केस में भारतीय सुधार समिति की स्थापना कब की गई थी भारतीय सुधार समिति की स्थापना हो गई थी फिर अठारह में ही अठारह में जब विद्रोह हुआ था उसको शांत करने के लिए उन्होंने भारतीय सुधार समिति का भी गठन किया गया था यह अठारह में हुआ था अठारह सत्तावन ईस्वी की क्रांति का चिन्ह क्या था क्या चिन्ह निश्चित किया गया था वो था कमल और रोटी कमल और रोटी ठीक है कमल और रोटी या फिर चपाती बोल सकते वो इसका चिन्ह निर्धारित किया गया था तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो अठारह सौ सत्तावन की क्रांति से संबंधित हैं ठीक है ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन ही हैं ये ठीक है अठारह सौ सतावन की क्रांति से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं वो सिर्फ ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है इन्हीं में से ही ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं मोस्टली ये पूछा जाता है जा कि अट्ठारह तावन की क्रांति के समय झांसी से किसने नेतृत्व तो किया था लखनऊ से किसने किया था दिल्ली से किसने नेतृत्व तो किया था ये सारी चीज़ें इसमें पूछी जाती है ठीक है तो ये थे क्वेश्चन अठारह की क्रांति से संबंधित जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एस यही था आज की इस वीडियो में आपके लिए ठीक है और बाकी अगर कुछ नहीं समझ में आए या कुछ पूछना हो या फिर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे पूछना हो वीडियो बनवानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं ठीक है बाकी आप हमारा चैनल नॉलेज हब को सब्सक्राइब जरूर करें अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करें और वीडियो को लाइक करें शेयर करिए जुड़े रहिए हमारे साथ मिलते रहेंगे आपके साथ रोज रोज नए कंटेंट के साथ नई अपडेट्स के साथ ठीक है और चैनल को शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ एक बार फिर से जो एक्सपीरियंट जो कैंडिडेट्स नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अपने चैनल नॉलेज हब ठीक है मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ तब तक के लिए बाय